वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया है। एक्चुअली मैं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया ब्लॉग बनाए हुए, तो आज मैं एक ब्लॉग डालती हूँ। तो ऐसी रैंडमली दिमाग में आया कि कुछ डालती हूँ। आज मम्मी पापा जी की 49th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ज़्यादा तो कुछ प्लान नहीं किया है, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, पर छोटा मोटा सा कुछ करते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करूँगी। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ भी आई हैं, और उनकी बेटी आई है, बेटा नहीं आया, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और उसको आने का मन नहीं था। एक्चुअली में उसकी 10th की स्टडीज़ भी चल रही हैं, तो उसमें वो थोड़ा बिजी है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाया। और अभी मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आई थी, उनके ट्विंस बेबी हैं, तो वो कल ही गई हैं। एक्चुअली उनके बेटे का एग्जाम था, तो आज उसका दिलाना था, इस वजह से वो रुक नहीं पाई। वो एक ही दिन के लिए आई थी, एक्चुअली में छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई थी, तो इसलिए आ नहीं पाई। उनके साथ में ज्यादा रुक नहीं पाती हूँ, और फिर बड़ा बेटा है, उसकी स्टडीज है, तो इस वजह से वो ज्यादा रुक ही नहीं पाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, तो आपको दिखाते हैं कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बड़ी वाली नंदा गई हैं और ये उनकी बेटी है। हमारी शूज़ की शॉप है, तो वो नीचे अपने लिए शूज़ सेलेक्ट कर रही है और बस वही उसको मेरे देवर दिखा रहे हैं। उनका बेटा खड़ा हुआ है साथ में। और ये देखिए, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है और ये दुर्गा भतीजी का क्या हो रहा है। अब मैं बस सबके लिए सब फटाफट भटूरे बना रही हूँ। मैं अभी, सास ने मेरी भोग लगा दिया है भगवान जी का, और अब सबके लिए मैं भटूरे बना रही हूँ फटाफट। पता नहीं फ्रेंड्स, मेरे भटूरे ना गोल गोल नहीं बनते, बस ये है कि फूल जाते हैं। हाँ, गोल नहीं बनते मेरे से भटूरे। और फटाफट सबको खाना खिलाती हूँ, फिर शाम की तैयारी करते हैं। केक का तो उन्हें पता ही रहता है कि केक काटेंगे, और बाकी उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा है हमने। और ये मम्मी को मैंने बोला है कि अपनी चूड़ियाँ बदल लीजिए। और पता है फ्रेंड्स, मम्मी ना चूड़ी बदलते बदलते बहुत शर्मा रही थी, कह रही थी, बड़े कंफ्यूज हो रही थी कि एक पहनूं, दो पहनूं, पहले कौन सी पहनूं, बाद में कौन सी पहनूं, पता नहीं क्यों आज बहुत कंफ्यूज हो रही थी और बार बार शर्मा रही थी और हंस रही थी। वो कितनी प्यारी मेरी बरनी सजी है, लीजिए। हो गई है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया रेडी। कैसी लग रही है मम्मी, बताइए प्लीज कमेंट करके। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, किनारे
किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।